गाइस आज ज्यादा बात नहीं करने वाले हम, क्योंकि आज जो है ये वीडियो बहुत ही लेंदी होने वाला है। तो बस एक ही बात कहना है कि ये वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने वाला हूँ, डेफिनेटली क्लास 7 वर्कशीट 3 ऑफ चैप्टर 9। वर्कशीट 3 ऑफ चैप्टर 9 मतलब यहाँ पे जो है वो है ASA, इसके ऊपर होगा। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जस्ट कराएंगे, उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वहां पे मैं बाकी सम जो है सॉल्व करने वाला हूँ। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो देखो, व्हिच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय AAC, मतलब हमें AAC मतलब दो एंगल उसका इंक्लूडेड साइड लेना है, बीच में AS मतलब इंक्लूडेड साइड लेना है। इस कंडीशन से हमें प्रूव करना है इन द फिगर, ये जो फिगर है देख ही सकते हो, ये वाला जो है 9.29 फिगर है। बहुत सारे फिगर्स है इसलिए मैंने एक पेज में तो ये आने वाला नहीं है, तो इसलिए मैंने ऐसे करा है। तो अब जो है कि इफ congruent, मतलब अगर ये फिगर congruent है तो राइट द congruence ऑफ टू triangles इन सिंबोलिक फॉर्म, मुझे सिंबोलिक फॉर्म में ये जो टू जो ट्राइंगल congruent होगा उसको सिंबोलिक फॉर्म में लिखना है। चलो करते हैं वन बाई वन, कौन सी प्रोसेस में करना है बस ये याद रखना, ये जो है ASA। ओके, अब चलो देखते हैं हमें कैसे, फिर से एक बार सुन लो, हमें कैसे इंक्लूडेड साइड मिलेगा ये हमें बताओ। इंक्लूडेड साइड कैसे मिलेगा, बस जो दो एंगल गिवन है उस दो अल्फाबेट को एक साथ लिख दो, एक साथ लिखोगे तो मतलब तुम्हें इंक्लूडेड साइड मिल जाएगा, बहुत इजी है। तो अब इस ट्रायंगल में देखते हैं कि जो साइड का लेंथ दिया गया है वो इंक्लूडेड साइड है या नहीं। अब एक चीज नोटिस करो, एंगल ए गिवन है और क्या क्या गिवन है, एंगल सी गिवन है। अब AC का लेंथ, अब दोनों को मिला के A एंड C दोनों को मिला के AC होगा, मतलब AC क्या होना चाहिए, इंक्लूडेड साइड। अब पिक्चर में देखो AC का लेंथ दिया गया है या नहीं, हाँ है, तो AC तो इंक्लूडेड साइड बन गया। अब मतलब ये अभी जो मैंने करा ना, ये जो है ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में करा है एंड ट्रायंगल, अब चलो देखते एंगल ए किसके साथ इक्वल है 40 डिग्री है। अब यहां पे इस फिगर में 40 डिग्री कौन है, जेड, तो एंगल जेड लिखो यहां पे। चलो ये तो हो गया, यहां पे इक्वल्स टू 40 डिग्री यू कैन राइट। अब बताओ एंगल जो सी है 60 डिग्री वो किसके साथ यहां पे इक्वल है, एंगल वाई, तो एंगल वाई को लिखो। अब एक चीज हमें कहो कि एंगल वाई एंड एंगल जेड अगर दिया गया है तो उसका इंक्लूडेड साइड क्या होगा, उन दोनों अल्फाबेट को एक साथ लिख दो, वाई जेड और जेड वाई, चलो जेड वाई लिखते हैं। ऑर्डर को मेंटेन करो, मतलब यहां पे ए सी लिखा था पहले ये, देन ये एंगल, तो यहां पे जेड वाई लिखो। अब देखो अब हम तुम हमें बताओ तुम लोग कि वाई जेड का वैल्यू दिया गया है यहां पे 3.5, हाँ ये भी है, ए सी एंड वाई जेड जो है वो दोनों ही 3.5 सेंटीमीटर है, मतलब ये इंक्लूडेड साइड है। अब बताओ दो एंगल, ये एंगल है ये, सॉरी ये एंगल है, ये भी एंगल है एंड ये जो है ये साइड है इन दोनों के बीच का इंक्लूडेड, मतलब दोनों अल्फाबेट लेके लिख रहे हो। देखो अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो मेरा जो इंट्रोडक्शन का वीडियो है इस चैप्टर का ASA का एक बार देख लो, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करा है वहां पे। ओके, तो अब ASA हो रहा है या नहीं, एकदम हो रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पे कि ट्राइंगल ABC congruent ट्राइंगल, आप नेम को कैसे लिखे, चलो यहां पे एक बार ट्राई करते कोशिश करते। एंगल ए किसके साथ इक्वल है, एंगल जेड, तो जेड तो पहले होना ही चाहिए। अब एंगल सी कहां है बताओ, एंड में है, तो यहां पे देखो नेम में कहां है, एंड में, पोजिशन तीन, एक ट्राइंगल का नेम होगा तो तीन पोजिशन होना चाहिए, ABC मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो यहां पे थर्ड पोजीशन में लास्ट में है, तो यहां पे सी किसके साथ इक्वल है, वाई के साथ, वाई को किस कहां पे लिखोगे, लास्ट में, और बीच में कौन रह गया, एक्स। अब एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, देखो AC फर्स्ट एंड लास्ट, यहां पे देखो जेड वाई एकदम सही है, तो नेम जो होगा वो होगा जेड एक्स वाई, यहां पे लिखो बाय ASA। नेम को ठीक ठाक लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये बात याद रखना बच्चों। ओके, अब चलो नेक्स्ट।
अब देखो जो क्वेश्चन नंबर टू है वहां पे भी देखते हैं, हम बस क्या करेंगे पहले जो ट्रायंगल है उसको लिखेंगे, ट्रायंगल ए ओ बी एंड, चलो एंड ही लिखते हैं, ट्रायंगल सी ओ डी। अब इन दो ट्रायंगल में चलो चूज करते हैं। अब बताओ इन दो ट्रायंगल में कौन कौन इक्वल है, पहले एंगल को देखे, एंगल बी जो 80 डिग्री है, यहां पे एंगल डी जो है 80 डिग्री है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, हो गया यहां तक, वो इक्वल्स टू 80 डिग्री लिखो। देखो बी ओ इक्वल्स टू क्या है, डी ओ कितना है 4 सेंटीमीटर, यहां तक सही है, ये एंगल है ये साइड है। अब एक चीज तुम हम कहो, अगर ये बी और ओ डी इंक्लूडेड साइड होना चाहिए तो कौन सा और एक एंगल आना चाहिए, अब बताओ, बी एंड जो यहां पे बी है बी और यहां पे कौन सा एंगल आएगा, तो इन दोनों को मिला के ये इंक्लूडेड साइड होगा ओ, क्यों ओ, देखो ओ एंड बी को मिला के बी ओ आ रहा है ना, तो मतलब बी ओ क्या होगा इंक्लूडेड साइड, तभी हम कह पाएंगे। अगर तुम लोगे ए एंगल ए यहां पे ले लोगे, एंगल ए ले लोगे तो होगा ए बी, तब तब ए बी होना चाहिए इंक्लूडेड साइड, समझ में आ रहा है ना, तो एंगल ए तो नहीं पॉसिबल नहीं है, गॉट इट ना, तीनों एंगल में एक तो लिखा हुआ है, क्या क्या हो सकता है, यहां पे और एक एंगल आएगा वो क्या होगा, होना चाहिए यहां पे और एक एंगल आना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, आइदर एंगल ए और एंगल ओ, ओ मतलब बी ओ ए यू कैन राइट, लेकिन अगर तुम ए को चूज करोगे तो ए एंड बी के साथ ए बी होना चाहिए, इंक्लूडेड जो साइड होना चाहिए वो ए बी देना चाहिए था, नहीं है, तो क्या होगा ओ, ओ मतलब अब देखो यहां पे ओ मतलब ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, बहुत सारे ओ का एंगल है, मैंने कहा ना क्लास में अगर एक ही नाम का दो तीन बच्चे रह जाएगा, सोचो कि मन्नत नाम के तीन बच्चा है क्लास में, तो तुम अगर बोलोगे मन्नत तुम ये आंसर बताओ हमें, ये मेंशन होगा, अगर मैं कहूं कि मन्नत तुम ये आंसर हमें बताओ, तुम कह पाओगे कि मतलब वो दोनों में और क्लास में कोई भी हो उनको ये क्लियरिटी मिलेगा कि कौन सी बच्चे को सर पूछ रहे है ना, तो पूरा नेम लेके अगर मन्नत धीवर, अगर मैं टाइटल को अगर सोचो कि टाइटल एक नहीं है उन लोगों का, टाइटल को लेके मतलब मन्नत धीवर लेके हम पूछे तो तब क्या होगा, तब हम कह पाएंगे कि हाँ चलो ये बच्चे को सर पूछ रहे हैं और हम भी मेंशन कर रहे हो, मैं भी मेंशन कर रहा हूं है ना, एंगल ए ओ बी, आप ये जो एंगल है ये एंगल, अगर यहां पे भी देखो डी ओ, डी तो है मतलब यहां पे भी ओ होना चाहिए, ओ मतलब ये वाला इन ट्रायंगल में, सी ओ डी मतलब ये वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल में ये ओ मतलब यही होना है और कोई नहीं, तो अगर ये होना चाहिए तो मतलब इसका पूरा नेम क्या होगा, सी ओ डी कुछ ऐसा होना चाहिए। अब एक चीज हमें बताओ ये दोनों इक्वल है या नहीं, ये तो दिया नहीं गया, यहां पे दिया गया क्या ये दोनों इक्वल है, इसका मेजरमेंट दिया गया नहीं, तो हम कैसे मतलब ये तो नहीं दिया गया, तो हम एक इंफॉर्मेशन नहीं है तो कह पाएंगे ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। एक काम करो अभी वीडियो को पॉज कर लो, करने की कोशिश करो, खुद से देखते होता है या नहीं, हो पाता है नहीं तुमसे, सोचो थोड़ा सोचो, अपने दिमाग को लगाओ, अगर खुद से कर पाए ना एकदम मतलब तुम बहुत अच्छे जा रहे हो ये हम मुझे कहना है, तो अगर नहीं हो पाया तो चलो फिर देखते क्या होगा। मैंने ए सी एंड बी डी मैंने ज्वाइन करा है, ये दोनों कैसे ज्वाइन हो रहा है ऐसे ना, चलो इस ये जो फिगर है इस पार्ट को मैं यहां पे ज्वाइन मतलब ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसे है या नहीं देखो, ऐसे क्रॉस ब्लैक को देखो, बस मैंने ऐसे करा है, तो क्रॉस मतलब ये वाला हमेशा इस एंगल को क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है या नहीं, अगर कोई ऐसे इंटरसेक्ट कर गया ऐसे, तो इस जगह पे और इस जगह पे, और नहीं तो इस साइड में और इस साइड में, समझ में आ रहा तुम लोगों को, इस साइड में और इस साइड में, अपोजिट साइड में क्या होता है एंगल जो फॉर्म होता है उसको क्या कहेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वर्टिकल वर्टेक्स के अपोजिट में दो, ये जो वर्टेक्स है इसके अपोजिट साइड में ये एंगल है, इसलिए इसको कहते हैं वर्टेक्स, से ये नाम नेम आता है वर्टिकली अपोजिट, वर्टेक्स के दोनों अपोजिट साइड में ये एंगल होता है, इसको भी कह पाओगे तुम, लेकिन इस फिगर में हमें इन दोनों को लेने की कोई जरूरत नहीं है, हमें कौन सा वाला लेना है, इन दोनों को। और एक चीज याद रखना, अगर ये दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होगा उसका मेजरमेंट सेम होता है, हमेशा कोई भी क्राइटेरिया की जरूरत नहीं है, ये दोनों हमेशा इक्वल होगा,
तो मतलब ये दोनों इक्वल है, राइट, ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि यहां पे लिखो वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, सो मैंने ये क्यों इक्वल हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब तो ये दोनों साइड इक्वल है और ये इंक्लूडेड, दोनों एंगल इक्वल है और ये इंक्लूडेड साइड है, तो बाई ए एस ए वी कैन से दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। सो अब ट्रायंगल का नेम को लिखो, ए ओ बी, एक नेम तो हम एकदम डायरेक्ट ही लिख देंगे और दूसरे वाले को हम चूज करेंगे। देखो अब एंगल बी किसके साथ इक्वल, एंगल डी ना, मतलब तीनों अगर प्लेस होगा तो लास्ट में जाके डी आएगा, क्योंकि यहां पे लास्ट में बी है, अब बी किसके साथ इक्वल है, डी के साथ, इसलिए लास्ट में डी लिखेंगे। यहां तक हो गया। अब चलो एंगल ए ओ बी, मतलब वो एंगल ओ के साथ इक्वल, ओ मिडिल में है तो यहां पे ओ मिडिल में लिखो, और एक ही बाकी है अल्फाबेट, वो क्या है, सी, तो बस सी को लिख दो यहां पे और एक बार क्रॉस चेक करते हैं। देखो फर्स्ट एंड लास्ट में क्या है, लास्ट दो में क्या है, ओ बी, तो यहां पे लास्ट दो में क्या है, ओ डी है, तो बस सही हो गया ना हम लोगों का नेम, तो बस दीज टू आर कॉन्ग्रुएंट बाय क्या लिखना है यहां पे, ए एस ए बाय ए एस ए, दे आर कॉन्ग्रुएंट, गॉट इट। चलो अब नेक्स्ट, अब एक्चुअली यहां पे देखो दो फिगर एकदम साइड बाय साइड है, तो पहले थ्री करेंगे फिर फोर, तो चलो थ्री नंबर, थ्री करके इसको रैप कर देंगे फिर फोर को करना है। एक चीज यहां पे नोटिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो है बहुत ही कंफ्यूजिंग है, ये थ्री नंबर वाला फिगर जो है ना बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बहुत ही, ठीक से नोटिस करना। देखो अब हमें ना ट्रायंगल को ठीक से चूज करना है, इन ट्रायंगल हो सके तो इसको लिख लो, ए बी सी एंड ट्रायंगल डी सी बी। अब इन दो ट्रायंगल में चलो चूज करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो ट्रायंगल को मार्क करने वाला हो ए बी और सी, ये वाला एक ट्रायंगल हो गया मेरे लिए, चलो देख सकते हो डी सी बी, गॉट इट, ये वाला। अब इन दो ट्रायंगल में हमें चूज करना है, देख लेना ठीक से। अब देखो यहां पे जो है ये वाला और ये वाला दोनों को सेपरेट करोगे तो ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है, इन दो ट्रायंगल में ठीक से देखना, मैं दोनों को फिर से एक साथ रखने वाला हूं, ये वाला। अब एक चीज कहो हमें, ए बी सी, अच्छा चलो उससे पहले ए सी बी क्या है, इन ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल में फिर से देखो ए सी बी, ये वाला कितना है, ए सी बी मतलब ये वाला, ये वाला कितना है, यहां पे तुम देख के बताओ 40 डिग्री है या नहीं, देखो ए सी बी 40 डिग्री एकदम, देख लो फिर से। अगर तुम कहोगे तो मैं इसको अलग से भी ड्रॉ कर सकता हूं तुम लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए, चलो पहले इस तरह से एक्सप्लेन कर देता हूं, अगर समझ में नहीं है तो उस तरह से भी देख लेना एक बार, मैं उसको एंगल को दोनों को सेपरेट करके उसको ड्रॉ करेंगे। ओके एक बार यहां से देख लो, यहां पे देखो ये जो है सी एंगल, मतलब सी मतलब ए सी बी, ये वाला जो एंगल है ये होगा 40 डिग्री, ठीक है ना, तो हमें लिखना है एंगल ए सी बी जो है वो है 40 डिग्री। अब यही एंगल जो है यहां पे, ये वाला अगर वायलेट वाला जो है यहां पे देखो बी, यहां पे जो बी फॉर्मूला है मतलब डी बी सी, इस हां ये जो है ये है 40 डिग्री, डी बी सी, यहां तक तो है सही है, आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ रहा है। अब ये जो वाला ट्रायंगल है एबीसी वाला, इसका अगर बी एंगल मतलब ये पूरा एंगल क्या होगा, आधा पार्ट जो है, आधा पार्ट मतलब ऊपर वाला पार्ट जो है 20, यहां पे जो है 40, तो ये पूरा क्या होने वाला है टोटल 20 प्लस, फिर से देखो ये वाला, ये जो बी वर्टेक्स है मैं थोड़ा शिफ्ट कर रहा हूं तुम लोगों को समझ में आएगा, ये वाला पूरा यहां पे ऊपर में जो है, ऊपर वाला पार्ट में जो है 20, नीचे में 40, तो टोटल क्या होने वाला है 60 है या नहीं, तो ए बी सी क्या होगा बोलो, एंगल ए बी सी जो है वो है 60 डिग्री इक्वल्स टू। अब ये जो वायलेट वाला है ये वाला, इसमें भी देखो सी, फिर से देखो ऊपर में जो है 20 डिग्री नीचे 40 डिग्री, तो ये जो सी मतलब पूरा ये जो एंगल होगा क्या होगा, पूरा 20 प्लस 40 क्या होगा 60, मतलब वी कैन राइट डी सी बी, डी सी
बी इज 60 डिग्री। एक चीज यहाँ पे नोटिस करो, मैंने थोड़ा गलती किया है यहाँ पे, ये डीसी भी नहीं होगा, ये जो 40 डिग्री मतलब जो होगा वो है डीबीसी होगा, ठीक है ना। एक चीज कहो तुम लोग हमें कि अगर इन दोनों को रखोगे, फिर से देखो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों मिला के कौन सा वाला, ये जो ट्रायंगल है ये वायलेट एंड ये जो ब्लू हल जो लाइट ब्लू वाला ये कुछ ऐसा कलर है, तो इन दोनों का कॉमन पार्ट देखो यहाँ पे, देखो दोनों कहाँ आके मीट हो रहा है, या ये वाला साइड में ना जो नीचे है ये भी आके यहाँ मीट हो रहा है, ये भी आके यहाँ मीट हो रहा है नीचे का देखो। तो ये पार्ट जो ये कॉमन है ये क्या है बीसी, मतलब अगर यहाँ पे आके इसको रखे और इसको यहाँ पे आके रखे तो ये वाला जो है बीसी वाला जो है कॉमन साइड है, तो वी कैन राइट बीसी इक्वल्स टू बीसी, यू कैन राइट कॉमन साइड। अब बीसी जो है वो इंक्लूडेड है या नहीं देखो, एंगल जो है हम कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं, इसके बीच का जो वैल्यू होता है उसको चूज करते हुए, यहाँ पे सी है और यहाँ पे बी है, दोनों को मिला के लिखोगे तो बीसी है, मतलब बीसी जो है इंक्लूडेड साइड हो गया। अब इस साइड में आते हैं, मतलब ये जो सेकेंड वाला ट्राइंगल है वायलेट वाला, यहाँ पे भी बी है यहाँ पे भी सी है, मतलब बीसी दोनों को मिला के लिखोगे तो बीसी, मतलब सही हो रहा है ना। तो बीसी जो है इंक्लूडेड साइड, मतलब ये जो कॉमन साइड है वो ही है इंक्लूडेड साइड, मतलब ये दो ट्राइंगल क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब अगर ये तुम्हें समझ में नहीं आया, सोचो ये तुम्हें समझ में नहीं आया, तो एक और कोशिश करते हैं, चलो देखते हैं। तुम लोगों के लिए ये भी कर देता हूं, ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, हम इसका नेम लिखने वाले हैं, चलो इसका जो होगा एबीसी, ये वाला ट्रायंगल से देख सकते हो तुम लोग, ए ये वाला एबीसी बी सी। अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो इस पार्ट को देख लो, अगर समझ में आ गया ना तो इस पार्ट को स्किप कर लो, नेक्स्ट में चले जाओ। डी सी बी देख सकते हो, मैं दोनों ट्रायंगल एक ही ट्रायंगल है, मतलब दोनों को सेपरेट करके मैंने लिखा है। आप चलो कुछ चेक करते हैं कि मैंने सही लिखा या नहीं। अब बताओ ए सी बी ये वाला, ए सी बी ये वाला पार्ट, इसमें यह क्या है 40 डिग्री ए सी बी देख सकते हो तुम, तो मतलब ये क्या होगा 40 डिग्री। अब जो दूसरा ट्रायंगल है उसमें क्या है 40 डिग्री कौन है, ये वाला, मतलब डीबीसी ये 40 डिग्री, मैंने दोनों ट्रायंगल को क्या करा है सेपरेट कर दिया है, अब लिखना है। चलो अब एक चीज कहो तुम लोग हमें, अगर मैंने यहां पे ये वाला ट्रायंगल को पूरा, मतलब पूरा एंगल को इस ट्रायंगल में एबीसी, मतलब ये वाला ट्रायंगल में ए बी सी को अगर चूज करना है, मतलब इनको प्लस इनको करना है तभी तो हमें टोटल मिलेगा, 20 प्लस 40 क्या होता है 60, तो ये जो है ये है 60 डिग्री। अब इस साइड में आओ, ये क्या है 20 प्लस 40 पूरा देखो डी सी बी, मतलब डी सी बी ये वाला, अब इसका मेजर देखो 20 प्लस 40 60 है ना, तो ये 60 हो गया। अब देखो बी सी जो है दोनों ट्रायंगल ही इसको शेयर कर रहा है, ए बी सी वाला और डी बी सी वाला दोनों ही, यहां पे देख सकते हो बी सी सेम है, तो मतलब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय कौन सा ए ए ए एस ए, मतलब ए कौन सा है पहला वाला लिख सकते हो, मैंने यहां पे लिख के रखा है, फिर से एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो, इस ट्रायंगल को आप इससे मिलाओ तो देखो सेम आ जाएगा, ए सी बी ए सी बी 40 डिग्री है और यहां पे डी बी सी DBC है या नहीं एकदम, तो फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया, मतलब यहां पे लिख सकते हो A। आप देखो ये वाला BCBC कॉमन है, ये है साइड और ये भी A होगा, ABC 60 डिग्री और यहां पे देखो DCB 60 डिग्री, मतलब और क्या है BC दोनों को मिला के ये इंक्लूडेड आ रहा है, ये एंगल को मिला के ये आ रहा है, मतलब ये इंक्लूडेड साइड है, एंगल नहीं साइड है, तो by A A से this is congruent। अब नेम को लिखो, नेम को ठीक से लिखना, पहले वाला को लिख दो पहले A B C। अब इसके हिसाब से मैंने मुझे दूसरे को चूज करना है ना, चलो दूसरे को कैसे चूज करोगे आप बताओ, तीनों डैश कराया मैंने, अब तीनों डैश को मुझे फिल करना है इसके हिसाब से। अब देखो लास्ट अंत से आते, ये देखो बीच में क्या है C, मतलब C एंगल है, ये C कहां लिखा है मैंने अंत में,
तो ये सी किसके साथ इक्वल है, बी के साथ, तो यहां पे अंत में किसको लिखना है, बी को लिखना है। समझ में आ गया। अब इसके बीच में क्या है, बी, बी किसके साथ इक्वल है, सी के साथ, तो बी कहां है, बीच में है, तो यहां पे बीच में सी लिखो और जो एक नाम बाकी है वो डी, डी लिख दो। देखो डी सी बी कॉन्ग्रुएंट ए बी सी बाई ए से। ओके समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को। देखो फिर से एक्सप्लेन नहीं करना है ना, अगर फिर से कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप करो, मैं कोशिश करूंगा हेल्प करने की। ओके चलो अब जो नेक्स्ट है फोर नंबर। अब देखो जो फोर नंबर है, फोर नंबर में ए बी सी ट्रायंगल एंड ए डी सी, इन दोनों में देखो ये जो एंगल है और ये एंगल 40 डिग्री इक्वल है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई। ओके चलो इन दो ट्रायंगल में चेक करते हैं। एंगल ए मतलब यहाँ पे पूरा नेम लिखो क्योंकि एंगल बहुत सारे एंगल ए है यहाँ पे, ठीक है ना, तो बी ए सी लिखो, बी ए सी इक्वल्स टू ई ए डी। चलो अब दोनों का वैल्यू क्या है 40 डिग्री, चलो डिग्री लिख डालो 40 डिग्री, हो गया यहां तक। ये फास्ट में क्या आ गया, एंगल आ गया। अब नेक्स्ट में देखो साइड को, साइड के बारे पहले चूज करने से पहले पहले एंगल को, और एक एंगल जो है ये देखो ए सी बी दैट इक्वल्स टू यहां पे 60 डिग्री कौन है, डी, मतलब ए डी ई, देख ही सकते हो। अब ये क्या है 60 डिग्री है, 60 डिग्री है ये। अब ये भी एंगल आ गया। अब दोनों को, दोनों एंगल का इंक्लूडेड साइड फाइंड आउट करना। बीच में क्या है ए, चलो देखो बीच में कौन है बोलो, ए, और यहां पे बीच में कौन है, सी, मतलब दोनों को मिला के लिखो ए सी। ये आ गया हम लोगों का इंक्लूडेड साइड, होना चाहिए था ये, होना चाहिए। और यहाँ पे ए है, यहाँ पे डी है, मतलब यहाँ पे ए डी होना चाहिए। अब देखो ये दोनों इक्वल है या नहीं, देखो ए सी जो है यहाँ पे ये वाला है और ए डी जो है ये वाला है, लेकिन यहाँ पे किसको दिया गया है, बी सी, तो ये इंक्लूडेड साइड नहीं है, तो ये होगा बाई ए से, ए ए से ये कॉन्ग्रुएंट होगा, नहीं होगा, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट है बाय ए ए एस। मेरे पास और एक क्राइटेरिया है या नहीं, ये वाला है ना, तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा बाय ए ए एस, एंगल एंगल साइड, लेकिन ए एस से नहीं होगा। तुम लोगों को समझ में आ रहा है ना, तो इसको अगर लिखोगे तो मतलब ये तो इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, तो तुम लिख सकते हो यहाँ पे जो है वो बी सी इक्वल्स टू डी ई, ये साइड तो हो गया, बट दिस इज नॉट इंक्लूडेड साइड, इट इज नॉट इंक्लूडेड साइड। सो इफ इट इज नॉट इंक्लूडेड साइड, सो व्हाट कैन आई से, सो इट इज नॉट कॉन्ग्रुएंट बाय ए से। अब यहां पे क्वेश्चन में मेंशन किया गया है, एक बार भूल चुके हो तो देख लो, देखो यहां पे क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि ए से ही हमें करना है और दूसरा कोई अप्लाई नहीं कर पाओगे, यहां पर देख सकते हो, तो ये तो कॉन्ग्रुएंट हो रहा है ये ट्रायंगल, लेकिन यहां पे जो क्राइटेरिया आ रहा है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है बाय ए ए एस, दे आर कॉन्ग्रुएंट, दिस टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। समझ में आ गया, तो ये नहीं होगा तो इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं यहां पे। ओके दिस इज नॉट कॉन्ग्रुएंट बाय ए एस बिकॉज इट इज नॉट इंक्लूडेड साइड। समझ में आ गया ना तुम लोगों को। अब चलो अब जो लास्ट है उसको कर देते हैं। अब देखो फाइव नंबर जो है उसको देखे हो एक बार, ये वाला जो है यहाँ पे साइड तो दिया ही नहीं गया है, कैसे करोगे, साइड का लेंथ है कहीं पे, देखो साइड का लेंथ है तो मतलब 90 डिग्री है तो सही है, ठीक है ये 90 डिग्री जेड के साथ इक्वल है, तो लिखो अच्छा चलो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल वाई जेड एक्स। अब इन दो ट्राइंगल में तो कुछ भी देखो 90 डिग्री एंगल बी जो है वो एंगल Z के साथ इक्वल है, दोनों 90 डिग्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तुम कहोगे सर एंगल C जो है किसके साथ इक्वल है, ये तो 30 डिग्री है, इक्वल नहीं है, लेकिन तुम कह सकते हो कि देखो ये 30 है, मतलब इसको 30 कहेंगे ना, क्योंकि सम ऑफ थ्री एंगल क्या है 180, वहां से तुम माइनस करके ये तुम्हें 60 मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब एंगल जो है C वो एंगल X के साथ इक्वल हो गया। और जो बाकी अब यहां पे भी देखो इन ट्रायंगल में भी तो माइनस करके इसको 30 तुम फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे, क्योंकि कोई ट्रायंगल का तीनों एंगल का साम क्या है,
180, तो इन दोनों को ऐड करके 180 से माइनस करोगे तो ये 30 होता है। और नहीं तो ऐसे भी कह सकते हो कि एक एंगल 90 है ना, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में बाकी जो ट्राइंगल दोनों एंगल का साम होता है वो 90 होता है, एक 60 मतलब ये 30 होना चाहिए। तो एंगल ए जो है वो एंगल वाई के साथ इक्वल है, ये तो कोई यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है। लेकिन जो दिक्कत है तीनों ही क्या हो रहा है एंगल, और ऐसा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया हम लोगों के पास नहीं है। तो अगर ऐसा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया हम लोगों के पास नहीं होगा तो इसको हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। गॉट इट ना, समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहां पे तीनों ही एंगल दिया गया है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। गॉट इट गाइस? ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो चुका है इसलिए मैं अभी यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 तक ही रखेंगे, इसके बाद का जो होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 3 से। आई होप तुम लोगों को ये अच्छा लगा। सो गाइस आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो चुका है। मैंने कहा था कि मैं कोशिश करूंगा जितना सा ज्यादा से ज्यादा सा एक वर्क मतलब वीडियो में डाल पाऊ डाल देंगे, लेकिन तुम लोग तो ज्यादा लेंदी हो जाता है तो देखते नहीं हो वीडियो को। तो मैंने सोचा चलो क्या करे, 2 तक ही रखते, इसके बाद में जो होगा उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करूंगा। सो गाइज आज के लिए इतना ही, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मैंने बहुत दिल से एवं बहुत मतलब एकदम कंसेप्ट को जाके अंदर जाके मैंने समझा है, तो तुम्हें शायद समझ में आ चुका है। तो एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दो तो तुम्हें कैसा लगा। सो गाइज आज के लिए इतना ही, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल, अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंथ भी मिलता है। तुम लोगों का जो सपोर्ट मिल रहा है मुझे ना, इसमें मुझे बहुत इंतु मिलता है, और मैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास का भी स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके, सो गाइस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।